आगामी 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले में अगले 5 दिनों के दौरान 26 से 30 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने एवं इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इन 5 दिनों के दौरान 10 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री से 42.9 डिग्री सेल्सियस रहने तथा अपेक्षित न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि सब्जियों की फसल में कृषि रसायनों का प्रयोग एवं सिंचाई को फिलहाल रोक देवे। बेरोजगार युवाओं ने रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महिलाओं का आरक्षण 50% करने का मामला। राजस्थान सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कर देने के विरोध में मंगलवार को धौलपुर शहर में बेरोजगार युवाओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस मामले को लेकर सुबह 10 बजे बेरोजगार युवा एकीकृत पार्क धौलपुर में एकत्रित हुए। यहां बैठक करने के बाद रैली के रूप में विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कुछ समय तक युवाओं ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बेरोजगार युवाओं का कहना है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का कोटा 50% करना न्याय उचित नहीं है। महिला सीट रिजर्व कर देने के बाद एक्स सर्विसमैन, विधवा, विकलांग का भी कोटा निश्चित है। ऐसे में फिर लड़कों के लिए क्या बचेगा? यह लड़कों के साथ अन्याय है। वहीं परीक्षा में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे वे आत्महत्या जैसे कदम उठा सकते हैं। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से महिलाओं के आरक्षण कोटे को पुनः 30% करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में छात्र नेता बी के कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा, दीपेश कुमार, कृष्णा, पोलू, शिव कुमार, नरेंद्र शर्मा, कृष्णकांत आदि शामिल है। आज ये सब युवा बीएसटी धारी जो एकत्रित हुए हैं, एक कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं। इनकी मांग है कि 30% महिला आरक्षण को बढ़ाकर के 50% कर दिया गया है। एक तरफ जो सरकार कहती है कि लड़का लड़की समानता का अधिकार होना चाहिए, एक तरफ 50% आरक्षण सिर्फ महिलाओं को, 50% में सभी वर्ग को, इन युवाओं को जोड़ दिया गया है। इसके विरोध में आज ये मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ये जो पहले की तरह जो चलता आ रहा है वही चलने दें। अगर समानता का अधिकार देना चाहते हैं तो 50% हमारे युवाओं को भी दो। जब महिलाओं को दे सकते हो तो युवाओं में क्या कमी है? विधानसभा में भी दो ज्ञापन दे रहे हैं। आने वाले समय में अगर ये मांग पूरी नहीं होती है इनकी, तो ये राजस्थान लेवल पर धरना देने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं संजय शर्मा बीएसटी धारी धौलपुर से हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इस डिसीजन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी अयोग्यता का परिचय दिया है। उन्होंने आनन फानन में एक वर्ग को खुश करने के लिए 50% का आरक्षण लागू कर दिया है, जो कि पुरुष वर्ग पर कुठारा जाता है। उनको ये ज्ञात ही नहीं है कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं मातृत्व भाव की, तो 6 वर्ष तक का बच्चा जो आंगनवाड़ी में रहता है उसको खुली मातृत्व भाव मिलता है। नंबर 2 बात आती है बीएसटीसी वाले बच्चों की। वो दूसरे बयानों में कह रहे हैं कि बच्चा दूसरी तरफ जाए, उनको ये नहीं पता है कि बीएसटीसी 2-3 साल में करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, L1 का टीचर। नंबर 2। नंबर 3, अगर वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण क्या सिर्फ पूरे प्रदेश भर में एक बीएसटीसी करने वाली महिलाएं हैं कमजोर? अगर बाकी को सशक्तिकरण करना है तो क्यों ना आप इनकी कोचिंग फीस फ्री करते हो? क्यों आप इनको मानदेय नहीं देते? क्यों आप इनका आना जाना फ्री नहीं करते? क्यों आप इनको और विभागों में मजबूत नहीं करते? पहले आप शिक्षा को मजबूत करिए। देखिए 30% होने के बावजूद भी महिलाएं 40-45% सीटें ले रही थी। अगर 50% होता है तो महिलाएं 70-75% पहुंचाएंगी। बाकी रिजर्व कोटे हैं 12-13% करना ये उठाना जाता है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हम अभी बल्कि माननीय विनम्रता से कह रहे हैं मुख्यमंत्री से, इसको वापस लीजिए, हमें मजबूर मत करिए कि हम कुछ गलत कदम उठाएं। ताबड़तोड़ फायरिंग से मची अफरा तफरी, फैली दहशत। दर्जनों लोगों ने रंजसवश दिया है हमले की वारदात को अंजाम। एक महिला सहित 3 जने बताए जा रहे घायल।
धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र में रंजिस वश एक राय होकर आए दर्जनों लोगों ने हमला करने की वारदात की है। इस बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पीड़ित लोगों में अफरा तफरी मच गई। काफी समय तक यहां दहशत का माहौल देखा गया। एक वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि कुछ लोग अपने घर के सदस्यों को बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। खेतों पर रखवाली कर रहे वृद्ध पर किए हमले से बचाने के लिए भागते हुए देखे जा रहे हैं, तो वहीं सामने से दूसरे पक्ष की ओर से फायरिंग की जा रही है। फायरिंग करने की आवाज वीडियो में साफ तौर से सुनाई दे रही है। वहीं गोली चलाते समय वेपन से निकले छर्रों की आग भी दिखाई दे रही है। फूलपुरा गाँव में देर रात्रि की यह पूरी घटना है, जहां बताया गया कि दो दिन पूर्व बजरी के ट्रैक्टर को साइड नहीं देने पर विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते पड़ोस के ही गांव नौरंगाबाद के कुछ लोगों ने यह पूरी वारदात की है। लाठी डंडों से की गई मारपीट और गोलीबारी की घटना में एक महिला सहित तीन जने घायल हुए हैं। एम्बुलेंस 108 की मदद से घायल कालीचरण मोहन सिंह व एक महिला को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने दो जनों को सघन उपचार के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल जयपुर के SMS अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार जारी है। 50 वर्षीय घायल कालीचरण जाटव की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं सर परसों के दिन मतलब मैं अपना ट्रैक्टर लेके गया था सर, और उसमें मतलब खाद डालने के लिए ले गया था सर। तो मतलब इधर से पीछे से चम्बल का ट्रैक्टर लेके गए थे ये तीन लोग सर, और मैं वापस सर रास्ता छोटा था सर, तो इनको बजरी के ट्रैक्टर इनका पीछे से जा रहा था सर, तो मैं इनको साइड नहीं दे पाया सर, तो इन्होंने उतर के मेरे में मारपीट कर दी सर, और फिर उसका बदला और मतलब दो दिन के बाद आज निकालने के लिए आए थे सर, और फायरिंग करके गए सर, और अद्धा पद्धा सब मतलब मारपीट करके गए सर। तीन लोग सर घायल हो गए सर। कितने राउंड फायर की हो गई इन्होंने सर? राउंड फायरिंग तो बहुत की है सर उन्होंने, अनगिनती है सर वो। स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए जॉब पाने का सुनहरा मौका। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में आगामी 29 जून 2024 को ICICI बैंक द्वारा मेगा जॉब फेयर मेला का आयोजन किया जा रहा है। 10वीं 12वीं और स्नातक की परीक्षा 50% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण कर चुके ऐसे आसार्थी जो बैंक में जॉब करने के इच्छुक हैं और जिनका जन्म 1 मार्च 1999 के बाद हुआ है, इसके साथ ही जिन छात्रों के द्वारा स्नातक परीक्षा राजकीय महाविद्यालय धौलपुर से उत्तीर्ण की है, वे समस्त छात्र 29 जून 2024 को महाविद्यालय परिसर में सुबह 11 बजे आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। बैंक द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर पद के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। जॉब पाने के इच्छुक आसार्थी अपना पंजीयन गूगल फॉर्म भरकर आवश्यक रूप से कर लें। चयनित होने पर 2.45 लाख रुपए से लेकर 2.85 लाख रुपए तक आकर्षित वार्षिक वेतन मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए पवन कुमार, जिनका मोबाइल नंबर 8764218231 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी।
बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागल सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड धौलपुर। प्रोप्राइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। मनमाने तरीके से गलत दिशा में सरपंच कर रहा नाले का ढलान, पूर्व सरपंच एवं ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई रुकवाने की गुहार। धौलपुर जिले की सेपो तहसील इलाके की ग्राम पंचायत नगला खरकपुर में सरपंच की ओर से गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनवाया जा रहा है। इस नाले का ढलान सरपंच की ओर से गलत तरीके से जबरदस्ती गलत दिशा में जाटब बस्ती की ओर करवाया जा रहा है, जिससे जाटब बस्ती के लोग परेशान है। इसे लेकर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच दिनेश चंद्र एवं अन्य लोगों ने धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी को ज्ञापन दिया है, जिसमें नाले का ढलान पूर्व की तरह ही पहले वाली ही सही दिशा में करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत नगला खरकपुर में शुरू से ही गंदे पानी की निकासी रोड सहारे होती है, लेकिन अब ग्राम पंचायत द्वारा गलत दिशा में जबरदस्ती जाटो बस्ती की तरफ गंदे पानी का निकास किया जा रहा है, जिससे गाँव में गंदा पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। वहीं गंदा पानी भरा होने से बीमारियां फैलने का अंदेशा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्रामीणों ने नाले के गलत निर्माण को लेकर विरोध किया तो सरपंच ने अपने मनमाने तरीके से गंदे पानी का निकास जाटो बस्ती की ओर करवा दिया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से पूर्व की भांति नाले का ढलान रखने तथा पहले वाली दिशा में ही गंदे पानी की निकासी करवाने की मांग की है। मैं दिनेश चंद, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नगला खरकपुर। जो जाटा बस्ती की तरफ पानी को ग्राम पंचायत निकालना चाहती है वो बिल्कुल कानून के खिलाफ है और समस्त ग्रामवासियों में इसका रोष है, विरोध है। ग्राम पंचायत जो पानी जिधर के लिए जाता है उधर के लिए निकाले, एवं राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए का नाला सेंसन हो चुका है, उस नाले को बनवाए और उसमें पानी को डलवाए, ग्रामवासियों को कोई असुविधा नहीं होगी। ये ग्राम पंचायत की तरफ से जो पानी निकाला जा रहा है उसके लिए ग्राम पंचायत वासियों को, जाटा बस्ती मोहल्ला वालों को, सबको परेशानी है। पूर्व में भी कई शिकायतें हो चुकी हैं। डकैती की योजना बनाते 6 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अवैध हथियार भी किए जब्त। धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर बसेड़ी पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीना ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की खास सूचना पर भूतेश्वर मंदिर के पास हाट मैदान के अंदर 5-6 बदमाश हैं जो कोई वारदात की फिराक में है। इस सूचना पर थाने से अतिरिक्त जाप्ता बुलाया गया व भूतेश्वर मंदिर के पास हाट मैदान की टीन शेड में से 6 आरोपियों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ते समय बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिन्हें पुलिस टीम ने मौके पर दबोच लिया। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ओमकार पुत्र विजय सिंह निवासी हरजूपुरा, बीकेश पुत्र कुम्हेर सिंह निवासी अतरसुमा, रोहित पुत्र बीरेंद्र सिंह निवासी दिनकटा हाल निवासी गांधी तराया बसेड़ी, राहुल पुत्र विजयपाल निवासी हरजूपुरा, विष्णु पुत्र राकेश निवासी रतनपुर और दीपू उर्फ दीपक पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी ठेकुली थाना कोलारी हाल निवासी दुर्गा कॉलोनी ओडेला रोड धौलपुर थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल, 32 बोर मए 2 कारतूस, एक कट्टा, 315 बोर मए 2 कारतूस, 2 लोहे के सरिया व 2 लाठी तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। शिक्षा मंत्री के बयान से आदिवासी समाज में बवाल, लोगों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सीएमसी की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पद से हटाने की मांग। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासी समाज के विरुद्ध दिए गए बयान पर विरोध व्यक्त करते हुए मंगलवार को आदिवासी समाज के लोगों द्वारा बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा को
राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शिक्षा मंत्री को तुरंत अपने बयान के वापस लेने, आदिवासी समाज से माफी मांगने और राजस्थान सरकार से शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग की है। आदिवासी समाज के रमेश फॉरेस्टर, बच्चू मीणा, जगदीश रावत, प्रेम सिंह, राम नरेश सहित दो दर्जन से अधिक लोगों की मौजूदगी में दिए ज्ञापन में आदिवासी समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासी समाज के खिलाफ जो बयान दिया है उससे वह और उनका समाज पूरी तरह व्यथित है। शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद आसीन व्यक्ति से ऐसे बयानों की अपेक्षा नहीं की जाती। शिक्षा मंत्री अपने शिक्षकों के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं। जैसा मीडिया में उनके बयान आते हैं उनसे साफ प्रतीत होता है कि वह शिक्षकों और आदिवासी समाज के खिलाफ हैं। ऐसे में आदिवासी समाज में उक्त बयान को लेकर आक्रोश है, जिसमें यदि जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा आदिवासी समाज आंदोलन पर उतर सकता है। ज्ञापन के माध्यम से पूरे मामले को राजस्थान के राज्यपाल के संज्ञान में लाया जा रहा है, जिससे वह उस पर त्वरित कार्रवाई कर सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी चाहिए कि वह शिक्षा मंत्री के पद से तुरंत मदन दिलावर को हटाएं। शिक्षाविद बच्चू सिंह मीणा ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में आदिवासी शब्द को परिभाषित किया है। शिक्षा मंत्री को समझने की जरूरत है, आदिवासी समाज के अधिकारों को संविधान में सुरक्षित रखा गया है। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। सरमथुरा बाड़ी और धौलपुर के आदिवासी मीणा समाज के प्रबुद्ध जनों की मौजूदगी में सौंपे ज्ञापन में शिक्षा मंत्री के बयान से आहत होने और समाज के लोगों में आक्रोश होने की बात कही गई है, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल से निवेदन किया है कि वे जल्द से जल्द उक्त मामले में कार्रवाई करें। हम आज हमने एक ATM साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के इस रिफ्रेंस में दिया है कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर साहब, उन्होंने आदिवासी समाज को बेहद ही दुखद करने वाली टिप्पणी की है और जो कि जिससे कि हमारे आदिवासी समाज के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा रोष है और मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री महोदय को शायद जो है इनकी शहादत का, इनकी कुर्बानियाँ का मालूम नहीं, देश की आज़ादी के बल चल के इन्होंने भाग लिया है और इन्होंने वो मूल निवासी हैं यहाँ के, उसके बावजूद भी इस तरह की टिप्पणी करना एक शिक्षा मंत्री के मुद्दे पर काम कार्य करने वाले व्यक्ति को सभा नहीं देता, ये असंभव किया है और ये बिल्कुल अनुचित है। अतः हम ये चाहते हैं राज्यपाल महोदय से मिल रहे हैं कि कृपया इस विषय में उन पर कार्यवाही की जाए, बस यही हमारा निवेदन है। और हम जो है हमारा समाज, इस पर हमारा समाज नहीं आदिवासी पूरा संपूर्ण समाज देश का व्यथित है और निश्चित तौर से हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे ये जो है, और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह की मर्यादित भाषा का हमेशा प्रयोग करें, इससे मर्यादित भाषा पर प्रदर्शन की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर, नई तकनीकी से कराएं घुटनों का इलाज। RGHS योजना के तहत मरीजों को फ्री में मिलेंगी दवाइयां। अब भूल जाएं पुरानी एवं रोबोटिक तकनीक को, अब नी रिप्लेसमेंट करवाएं। इसके लिए हर महीने के चौथे गुरुवार को राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के प्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण एवं ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर SS सोनी सुपर स्पेशलिस्ट धौलपुर आएंगे, जिन्हें 22 वर्षों का अनुभव है, जो अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के घुटने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। डॉक्टर सोनी इस बार 27 जून दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बालाजी मेडिकल स्टोर परिहार मार्केट में डॉक्टर दीपक जिंदल के बगल से पुरानी नगर परिषद के सामने घंटा घर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9785477415, दूसरे मोबाइल नंबर 9351892799 और तीसरे मोबाइल नंबर 8696565176 पर कॉल कर सकते हैं। यहां मरीजों को RGHS के तहत फ्री दवाइयां भी मिलेंगी। पुलिस गश्त के हैं ये हाल, चोर कर गए लाखों पार। मुख्य सड़क पर स्थित मकान से चोरी, लोगों ने गश्त व्यवस्था पर उठाए सवाल। बीते कुछ दिनों से धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोर सक्रिय हो गए हैं। चोरों ने सोमवार बीती रात शहर की पॉश कॉलोनी
में मुख्य सड़क पर मौजूद एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर मकान मालिक और किराएदार के कमरों के ताले तोड़ करीब 2.5 लाख रुपए के सामान को पार कर ले गए हैं। पीड़ित मकान मालिक रमेश चंद शर्मा ने बताया कि उनका मकान घंटाघर रोड पर मौजूद है। वह कुछ दिन पहले अपनी बेटी से मिलने उज्जैन गए थे, जबकि उनका किराएदार घर का ताला लगाकर अपने घर गया हुआ था। सुबह पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन्हें घर के ताले टूटने की सूचना दी, जिस सूचना पर उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। पीड़ित मकान मालिक ने बताया कि चोर उनके घर से करीब 50,000 की नकदी के साथ किराएदार के घर से करीब 2.5 लाख रुपए के गहने और नकदी को पार कर ले गए। घटना को लेकर पीड़ित मकान मालिक ने उज्जैन से धौलपुर आने के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही। वहीं मकान में हुई चोरी के बाद रात को होने वाली कोतवाली और निहालगंज थाना पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू हो गए। जिस जगह पर पीड़ित का मकान मौजूद है वहां प्रतिदिन निहालगंज और कोतवाली पुलिस लगातार गश्त करती है। पुलिस की गश्त के बावजूद मकान में चोरी होना पुलिस पर सवालिया निशान लगाता है। जिस मकान में चोरी हुई वह निहालगंज पुलिस चौकी के क्षेत्र में आता है। ऐसे में निहालगंज चौकी पुलिस को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि चौकी पर तैनात जाप्ता सिर्फ जगन चौराहे तक सीमित रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने कभी भी चौकी के स्टाफ को गश्त में नहीं देखा है। पिछले 17 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित करने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र संस्थान न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर। स्कूल का बोर्ड रिजल्ट हमेशा से ही 100%। प्रत्येक सत्र में कई विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं। इस वर्ष स्कूल की छात्रा अक्षरा अग्रवाल ने बोर्ड परीक्षा में 98.67% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान पाकर स्कूल एवं जिले का नाम रोशन किया है। 24 छात्रों ने 90% से अधिक अंक लाकर बढ़ाया स्कूल का मान। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न एवं आधुनिक, डिसिप्लिन कल्चर तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर, चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान, बड़े एवं हवादार क्लासरूम, प्रॉपर प्रैक्टिकल व कंप्यूटर लैब, खेलने के लिए बड़े ग्राउंड व इंडोर गेम की सुविधा, साइंस ओलंपियाड एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में संचालित संकाय साइंस कॉमर्स व आर्ट। पता रिको एरिया ग्रोथ सेंटर सदर थाने के पास जीटी रोड धौलपुर। धौलपुर जिले वासियों के लिए अब राम लला के दर्शन करना हुआ आसान, क्योंकि धौलपुर से सीधे अयोध्या के लिए शुरू हुई एसी बस जो रोजाना शाम को 7 बजे बस स्टैंड धौलपुर से रवाना होकर सुबह 4 बजे पहुंचा देगी अयोध्या नगरी, जहां श्रद्धा भाव के साथ करे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन। यही बस वापसी में रात को 10 बजे अयोध्या से रवाना होकर सुबह 7 बजे पहुंचाएगी धौलपुर। ये बस लखनऊ अयोध्या व बस्ती होकर गोरखपुर तक जाएगी। इसलिए अयोध्या लखनऊ बस्ती व गोरखपुर जाने वाले यात्री जनता ट्रेवल्स के कार्यालय बस स्टैंड धौलपुर पर अपना स्लीपर बुक करें अथवा मोबाइल नंबर 7737363979 पर कॉल करके भी अपना स्लीपर बुक करा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रुपए की नगद छूट। एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। 3 साल की वारंटी। आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण एंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। आंगनवाड़ी कर्मियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिला महामंत्री ज्योति वर्मा ने बताया 22 जून 2024 को हो गए सुपरवाइजर के पेपर में हुई धांधली के क्रम में जिला कलेक्टर पर धरना दिया गया एवं जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि सुपरवाइजर के पेपर में सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही पेपर देना था जिनका 10 वर्ष का अनुभव एवं ग्रेजुएट हो, लेकिन राजस्थान के हर सेंटर पर बाहरी लड़कियों द्वारा भी पेपर दिया गया। संगठन द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनको 10 वर्ष का अनुभव एवं ग्रेजुएट हैं, उनके अलावा बाहरी युवतियों को अयोग्य घोषित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। इसके साथ ही जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पेपर दिए हैं उन्हीं में से मेरिट लिस्ट के अनुसार चयन किया जाए।
भारतीय मजदूर संघ का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री एवं कर्मचारी चयन बोर्ड में भी जाकर आपत्ति दर्ज कराएगा। ज्ञापन में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल एवं प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर, ज्योति वर्मा, रेणु रिसाला, माया शर्मा, संजू सारस्वत, मंजू रजक, उमा राजपूत, सरिता श्रीवास्तव, गायत्री श्रीवास्तव आदि उपस्थित रही। धौलपुर पुलिस ने एक दिन में की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस की 52 टीमों ने 249 स्थानों पर दी दबिशें। विभिन्न मामलों में 207 अपराधी गिरफ्तार। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर राहुल प्रकाश, आईपीएस के निर्देशन एवं धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में सोमवार को एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही के अंतर्गत हार्डकोर अपराधियों, सक्रिय हिस्ट्री सीटर व उनके सहयोगियों एवं अवैध हथियार, अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के नेतृत्व में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ के सुपरविजन में सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गयी। इस अभियान में करीब 250 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 52 टीमों ने कार्रवाई में भाग लेकर 249 स्थानों पर दबिश देकर 207 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अभियान में 16 हार्डकोर व हिस्ट्री सीटर, 48 आरोपियों को विभिन्न मामलों में वांछित चलने पर 10 स्थायी वारंटी, 6 आरोपियों को अवैध हथियार, 7 आरोपियों को अवैध शराब एवं 120 अपराधियों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नेहा के लिए स्वयं सहायता समूह बना मददगार। राजस्थान ग्रामीण आजीविका, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ब्लॉक परियोजना प्रबंधक इकाई बसेड़ी की नेहा ग्राम रामपुर बराई पंचायत के रहने वाली हैं, जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में केला देवी स्वयं सहायता समूह में जुड़कर आज पीएनबी बसेड़ी में बीसी सखी के पद पर कार्य करते हुए ऑल इंडिया रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेहा को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से वार्ता कर 27 जून को सम्मानित किया जाएगा। नेहा ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद धीरे धीरे स्वयं सहायता समूह की जानकारी होने लगी तो मुझे ब्लॉक कार्यालय बसेड़ी से ज्ञात हुआ कि हमारे ब्लॉक में डीजी पे सखी के रूप में कार्य करने के लिए 10वीं पास स्वयं सहायता समूह सदस्य की आवश्यकता है, जिसमें अपना नाम समूह से देने का अनुरोध किया। उसके बाद मुझे राजीविका द्वारा एक फिंगर डिवाइस दी गई, जिसमें मेरे ट्रांजैक्शन अच्छे होने के कारण मुझे पीएनबी बैंक बसेड़ी द्वारा बीसी सखी के रूप में डिप्लॉय किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीजी पे और बीसी सखी के रूप में पीएनबी बसेड़ी में कार्य कर रही हूं। अब मैं प्रतिमाह 20 से 25,000 रुपए कमा रही हूं तथा डीजी पे के माध्यम से मैंने द्वारा गत पिछले महीनों में पूरे देश में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए हैं। काली पट्टी बांध भाजपाइयों ने मनाया काला दिवस। शहर मंडल धौलपुर द्वारा जाजुआ वाली माता मंदिर पर आपातकाल की 50वीं वर्षी काले दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं अगरबत्ती जलाकर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी ने की। मुकेश सक्सेना ने कहा कि सन 1975 में आज के दिन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। भारतीय जनता पार्टी इसे प्रतिवर्ष काले दिवस के रूप में मनाती है। मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी ने कहा कि आज हम सभी कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे काले अध्याय आपातकाल का विरोध करने को एकत्रित हुए हैं। सभी सत्याग्रहियों को नमन करते हैं। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री फैजल खान ने किया। इस अवसर पर पार्षद इमरान कुरैशी, पूर्व पार्षद इंदरलाल कोली, पूर्व पार्षद सुनील नरवर, पार्षद प्रतिनिधि महेश चंद कोली, ओम कांत शर्मा, गब्बर उस्मानी, राम रतन, रविंद्र कुमार कटरा, यूसुफ खान आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी, उस वक्त हम 16 साल के थे तो हमारे जनसंघ पार्टी कार्यकर्ता रघुवीर सिंह जी कौशल और ललित किशोर चतुर्वेदी जी जो वक्त हुए धौलपुर आए थे और हमने उनको 15 दिन तक रुका के रखा था। उससे पुलिस को मालूम पड़ा तो हमको भी धौलपुर छोड़ के जाना पड़ा। हम फिर दिल्ली में रहे कुछ दिन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार कटारा है। ठीक।
हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पहचान पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 के परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूलाराम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष्ण सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर संस्थापक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहां है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर, क्लास नर्सरी से 12वीं तक संकाय, साइंस व मैथ्स। यहां है हरा भरा व सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट फैकल्टी, सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब एवं कंप्यूटर लैब, रिच लाइब्रेरी एवं रीडिंग रूम, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज व सांस्कृतिक कार्यक्रम। समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम एवं नवोदय में चयन, ओलंपियाड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH-123 कुम्हेरी धौलपुर एवं विद्या स्मार्ट स्कूल शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 3 धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से UKG तक एसी क्लासरूम, मॉडर्न टीचिंग एंड प्लेइंग टूल्स, गुड टीचर, स्टूडेंट रेसो, स्मार्ट क्लासेस आदि। निदेशक गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। लोगों ने आधार संचालक के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, बोले घंटों इंतजार के बाद भी नहीं खोली जाती विंडो। मायूस होकर लौट रहे लोग, घरेलू कामकाज हो रहा प्रभावित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के पंचायत समिति स्थित अटल सेवा केंद्र के आधार सेंटर पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि उन्हें आधार अपडेट करने और संशोधन करने के लिए अल सुबह बुला तो लिया जाता है, लेकिन विंडो को नहीं खोला जाता। कई बार तो घंटों इंतजार कराया जाता है, इसके बाद विंडो खुलती है। ऐसे में आज मंगलवार को जब सुबह 9 बजे तक विंडो नहीं खुली तो लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने जमकर आधार संचालक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लगातार विरोध के बढ़ते देख आधार हेल्थ डेस्क के कार्मिकों ने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। इसके बाद कोतवाली थाने से पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने भी लोगों से समझाइश की, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों ने आरोप लगाया कि 30 जून लास्ट डेट है और अभी तक उनके आधार अपडेट नहीं हुए हैं। ऐसे में वे और उनके परिवार खाद्य सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो सकते हैं। शहर की कीड़ी निवासी राजेंद्र कुमार, धनोरा रोड निवासी अमर सिंह, भटपुरा निवासी गुड्डी देवी, अजीजपुरा निवासी सवाना सहित ग्रामीण क्षेत्र निजामपुर से आए केदार सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें सुबह आधार अपडेट के लिए बुला तो लिया, लेकिन विंडो नहीं खोली गई।
ऐसे में काफी इंतजार करने के बाद भी उनको अपनी समस्या का समाधान होते नहीं दिख रहा है। महिलाओं का आरोप है कि सुबह सवेरे आकर घंटों लाइन में लगने से घर गृहस्थी में काम नहीं हो पा रहा है। उनके आदमी भी अपने कामों को छोड़कर बैठे हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद आधार सेंटर पर उनका काम नहीं हो रहा। यह समस्या एक दो दिन से नहीं बल्कि एक पखवाड़े से बनी हुई है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए हालांकि बाड़ी शहर में कई आधार केंद्र खोले गए हैं, लेकिन ज्यादातर बंद हैं। कुछ सेंटरों पर केवल आधार बनाए जाते हैं, अपडेट या संशोधन नहीं होता। ऐसे में केवल पंचायत समिति के अटल सेवा केंद्र के आधार सेंटर पर यह सुविधा उपलब्ध है। इसी को लेकर ज्यादा परेशानी पैदा हो रही है। SDM ऑफिस के वरिष्ठ लिपिक विक्रांत मिश्रा ने बताया कि इन दिनों राशन कार्डो की सीडिंग का काम चल रहा है, जिसमें फिंगरप्रिंट अपडेट किए जा रहे हैं। शहर में केवल एक आधार सेंटर है, इसलिए परेशानी हो रही है। भविष्य में समस्या नहीं रहे, इसके लिए और आधार सेंटर खोलने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा है। सारा काम दिल्ली से होता है, इसलिए परेशानी और बढ़ गई है। ये आधार कार्ड या मुद्दा वगैरह नहीं बोल रहे हैं, ये क्या कर नहीं रहे हैं। दो तीन दिन से आ रहे हैं, परेशान है। नाम आ गई यहाँ पब्लिक, गांव में परेशान है, इनका पता नहीं है। ताला लगा के गायब है, 5 बजे की लाइन लग रही है यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं प्रशासन आएगा जब खुलेगा, प्रशासन आएगा जब खुलेंगे। क्या नाम है आपका? अरे भाई साहब, हम सुबह 6 बजे के पड़े हैं यहाँ और ऑफिस खुले ही नहीं आने जी। आधार कार्ड 10 दिन से परेशान रह रहे हैं। उबेदा तारीख 30 ने कर रखी है फिक्स, 30 तारीख तक करवाए के लाओ। यहाँ लाइन में कोई नंबर आया ना, क्या करें? अबे आधार कार्ड बना रहे ना, क्या आश्वासन दे रहे हैं मुझे? आश्वासन जी दे रहे कि प्रशासन आया हो जब बोलेंगे हम तो। प्रशासन आया या नहीं आया? प्रशासन आया नहीं है, प्रशासन आया नहीं अभी। क्या नाम है आपका? केदार सिंह। कहाँ से आए हो? निजामपुर से। ये परेशानी आ रही है, हम आगे तो नहीं, हम भैया हम भागे लग रहे हैं 6-7 बजे के। 3 दिन प्रशासन आ जाएगा जो खुलेंगे। प्रशासन आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी तो वो खुलेंगे। क्या नाम है आपका? सबाना। अरे साई ना देगा, धान में ठाड़े है और सब लोग 6 बजे के लगे हैं। अवैध हथियार व मोबाइल लूट में 4 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जहां अवैध हथियार सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध एक सिंगल शॉट, 5 फीरा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं मोबाइल लूटने व खरीदने वाले 2 जनों को और गिरफ्तार किया है, जिनसे लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित सनी बाल्मीकि पुत्र दीपक बाल्मीकि और हेमंत पुत्र राजेंद्र निवासी हरिजन बस्ती तलैया मोहल्ला धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक सिंगल शॉट, 5 फीरा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस, 315 बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल लूटने वाले आरोपी दीपक उर्फ छोटू पुत्र भूरी सिंह कोली निवासी बरीपुरा थाना बसे डांग को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लूटे गए मोबाइल को खरीदने वाले आरोपी राहुल पुत्र राम नरेश गुर्जर निवासी गोठियापुरा कस्बा नगर थाना बसे डांग हाल 100 फुटा छोरपुरा माता के पास धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है। बाढ़ आपदा से निपटने SDRF की 51 रेस्क्यू टीमें रवाना। आगामी मानसून सत्र के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ से होने वाली आपदाओं की स्थिति में आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए SDRF की 51 रेस्क्यू टीमों को राज्य के 28 जिलों में आपदा राहत उपकरणों के साथ 25 जून को रवाना किया गया। राज्य आपदा प्रतिसाद बल राजस्थान के कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि मानसून के दौरान राज्य में जल भराव या बाढ़ की संभावना रहती है। बाढ़ प्रभावित स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है व अत्यधिक वर्षा होने से जल भराव वाले स्थानों पर पानी भरने एवं नदियों व तालाबों में जल प्रवाह अत्यधिक होने से नागरिकों के फंसने एवं डूबने की आशंका बनी रहती है।
जलाशयों एवं बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से नदियों के आसपास के गांवों और कस्बों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से लोगों के जीवन को बचाने में SGRF की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 27 जून से राज्य में मानसून के सक्रिय होने को दृष्टिगत रखते हुए मानसून सत्र के दौरान आपदा बचाव एवं राहत के लिए SGRF की सभी कंपनियों से 51 रेस्क्यू टीमों का गठन किया गया है। गठित रेस्क्यू टीमों को संभावित बाढ़ प्रभावित 28 जिलों में आपदा राहत उपकरणों के साथ 25 जून को रवाना किया गया है। SGRF कमांडेंट ने रेस्क्यू टीमों को सावधानी पूर्वक एवं SOP के अनुरूप रेस्क्यू ऑपरेशन संपादित करने, अपने पूर्ण कौशल व क्षमताओं के साथ नागरिकों के जीवन को बचाने तथा SGRF के स्लोगन आपदा सेवार्थ कटिबद्धता को पूर्ण रूप से चरितार्थ करने के लिए निर्देशित किया गया। नाले की सफाई के लिए नपा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। मीणा कॉलोनी वासी बोले, मानसून से पहले हो नालों की सफाई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में मानसून पूर्व नगर पालिका द्वारा शहर के प्रमुख नालों की साफ सफाई नहीं कराई गई है। हालांकि नालों की साफ सफाई को लेकर जिम्मेदारी खुद नगर पालिका प्रशासन ने ली थी और इस बार ठेका नहीं किया गया है, लेकिन मानसून अब प्रदेश में दस्तक दे चुका है, पर अभी तक शहर के प्रमुख नालों की साफ सफाई नहीं की गई है। यहां तक कि कई नालों में तो सफाई के बाद पड़ा कचरा फिर से जमा हो गया है। इसी को लेकर आज शहर की मीणा कॉलोनी के 2 दर्जन से अधिक नागरिकों ने नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी और वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां को एक ज्ञापन सौंप अपनी समस्या से अवगत कराया है। शहर के संत नगर रोड मीणा कॉलोनी वार्ड 12 के नागरिक रोशन लाल, मनोज मीणा, निहाल सिंह मीणा, मुकेश कुमार, लखन लाल, बाबूलाल, खजान सिंह, भूरा लाल आदि ने बताया कि सरमथुरा रोड पर मीणा समाज के काफी संख्या में लोग रहते हैं, ऐसे में उसे मीणा कॉलोनी नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मीणा कॉलोनी और संत नगर रोड से एक बहुत बड़ा नाला निकल रहा है जिसमें पानी भराव हो रहा है। 6 महीने से उस नाले की साफ सफाई नहीं कराई गई है, ऐसे में नाला अवरुद्ध हो गया है जिससे गंदा पानी सड़क पर आ रहा है। ऐसे में सड़क और मुख्य रास्तों में पानी भराव होने से छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग जब निकलते हैं तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर नगरपालिका के सफाई निरीक्षक को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उन्होंने समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में अब मानसूनी बारिश आने वाली है, स्थिति और बदहाल हो जाएगी, इसलिए नाले की सफाई तुरंत कराने को लेकर आज नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश देवी और वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान को ज्ञापन सौंपा है। मेन समस्या ये है, सरमथुरा रोड पे जो मीणा कॉलोनी है धर्मकांडे के पास, उसका जो सामने जो मुख्य नाला है उसमें विगत 6 महीने से कोई सफाई नहीं हुई है। आज दिनांक तक कई बार टेलीफोन से भी सीताराम जी को सूचना दी है, पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं और कॉलोनी में मच्छर भी पनप रहे हैं, तो गंदगी की समस्या से अपन कॉलोनी वासी निजात पाना चाहते हैं। ये और आज चेयरमैन महोदय को हमने अवगत कराया है कि जल्द हमारी समस्या का समाधान हो। अब मेन नाला जो है वो हमारी कॉलोनी के सामने से गुजर रहा है, उसकी सफाई नहीं हुई और पूरा पानी नाले का उसमें कॉलोनी में घुस रहा है, उसकी सफाई करानी है। कई बार अवगत कराने के बाद पोर्टल पे कई बार शिकायत डाल दी, वैसे भी अवगत कराया, फ़ोन पे भी मतलब उनको सीताराम जी को कई बार मतलब कहा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और खुद विजिट भी कर चुके हैं लेकिन अभी तक सफाई नहीं। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट JEE के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर लें। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड, GT रोड, धौलपुर।
धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रोथ सेंटर रिको ओडेला रोड धौलपुर राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक। आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। एडीजे रेखा यादव ने ली अधिकारियों की बैठक, दिए निर्देश। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों की पालना एवं बाल विवाह रुकवाने के संबंध में मंगलवार को मीटिंग का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव के अवकाशागार में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं जिले के समस्त तहसीलदारों को अवगत कराया कि यदि उचित प्रयास करने के बाद भी दुर्घटना में शामिल वाहन का नंबर, पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकी है तो रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से 1 माह के भीतर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी घायल या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को लिखित रूप से सूचित करेगा कि हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना के तहत मुआवजे का दावा किया जा सकता है। पुलिस द्वारा मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों या घायलों को उनके क्षेत्राधिकार वाले दावा जांच अधिकारी के कार्यालय का पता व संपर्क विवरण जैसे ईमेल आईडी आदि पुलिस द्वारा प्रदान किए जाएंगे। साथ ही पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी दुर्घटना की तारीख से 1 महीने के भीतर अंतिम दुर्घटना रिपोर्ट दावा जांच अधिकारी को अग्रसित करेगा। दावा जांच अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 1 माह के भीतर यह निर्धारित करेगा कि दावा राशि का वास्तविक दावेदार कौन है व रिपोर्ट दावा निपटान आयुक्त को प्रेषित करेगा। जिले में दावा जांच अधिकारी के रूप में संबंधित तहसीलदार को नामित किया गया है। इसके साथ ही बाल विवाह होने की प्रबल संभावना रहती है। इस सामाजिक बुराई एवं इसके दुष्परिणामों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के साथ ही बाल विवाह रोकने के संबंध में प्रभावी कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी जन जन तक पहुंचाने एवं उनकी शंकाओं का समाधान कर कानूनी कार्यवाही करने के लिए आवश्यक सलाह व सहायता उपलब्ध कराए जाने एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समस्त बाल विवाह निषेध अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार से बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 के तहत व विधिक कार्यवाही संपादित करने एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से सभी क्षेत्रों में 24 घंटे क्रियाशील कंट्रोल रूम स्थापित करने एवं बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्परता से कार्यवाही करने एवं कंट्रोल रूम के कॉन्टैक्ट नंबर एवं नालसा की लीगल एड हेल्पलाइन नंबर 15100 का भी व्यापक प्रचार प्रसार में उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उपस्थित अधिकारीगण को 13 जुलाई को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में रेवेन्यू कैसेज को चिन्हित कर अधिक से अधिक निस्तारण के प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया। मीटिंग में मनोज शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर, धर्म सिंह तहसीलदार धौलपुर, राहुल धाकड़ तहसीलदार सैपो, मोहम्मद हनीफ तहसीलदार बाड़ी, ब्रजेश कुमार तहसीलदार बसेड़ी, राजेंद्र कुमार जाट तहसीलदार बसे नवाब एवं सीमा बघेल तहसीलदार मनिया, अमित कुमार तहसीलदार सर मथुरा आदि उपस्थित रहे। ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। प्रमुख शासन सचिव आयोजना एवं
सांख्यिकी विभाग के निर्देशानुसार मुख्यालय योजना भवन सहायक निदेशक भूपेंद्र सांवरिया ने दो दिवसीय दौरे पर रहकर जिला सांख्यिकी कार्यालय सहित ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय बसेड़ी, बाड़ी और धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान की गई जांच और समीक्षा बैठक में सभी कार्मिकों को आई गोट कर्मयोगी पोर्टल पर सभी 6 कोर्स पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करने, ई फाइल का डिस्पोज टाइम को न्यूनतम करने, सभी कार्य ई फाइल से करने, जनाधार हेल्प डेस्क को पेंट कर दीवार पर लिखवाने, सभी कार्मिकों को कार्य आवंटन करना, राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना, संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय पर एवं संतुष्टिपूर्ण निस्तारण करना, ई ग्राम पोर्टल पर प्रभारियों से सही सूचना प्राप्त कर पोर्टल पर एंट्री करना, प्रकाशनों को पूर्ण करना, पहचान पोर्टल की ई साइन की पेंडेंसी को शून्य करवाना, साफ सफाई एनएसएस सर्वे स्थानीय निकाय के लेखों को पूर्ण करवाना, संस्था आधार पोर्टल पर सभी विभागों का पंजीयन करवाने आदि के निर्देश सभी कार्मिकों को दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिले एवं ब्लॉक कार्यालयों के सभी कार्मिकों सहित उपनिदेशक मुकेश कुमार, ओम प्रकाश मीना, मनोज गुर्जर, अमृतलाल मीना, सुरेंद्र मीना, रमाकांत मीना, शिव नारायण मीना और राहुल गर्ग उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से की नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग। पंचायत समिति धौलपुर इलाके की ग्राम पंचायत जाटोली के गांव खरकपुरा के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि हमारे गांव में नाले की जगह तो है, लेकिन इस जगह को खेत वालों ने अपने खेत में जोत कर मिला लिया है, जिससे बरसात के समय में पानी की निकासी नहीं होती और बरसात का पानी गाँव में भर जाता है, जिससे गाँव वालों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि गांव खरकपुरा के नाले की माप कराकर नाले को खेत वालों के कब्जे से मुक्त कराया जाए और नाला बनवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में धन सिंह, भूपेंद्र, आसाराम, विशंभर दयाल, राकेश, राधारमन आदि ग्रामीण शामिल हैं। नाम धन सिंह, ग्राम खरकपुरा, जाटोली। हमारे गाँव खरकपुरा में पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, नाला नहीं है, बरसात में पानी गाँव भर जाता है। हम तो सीमा जी से निवेदन करते हैं कि नाले का तुरंत नाप करके पटवन निर्माण कर दिया जाए, इससे गांव का काफी समस्या दूर हो। एरिया डोमिनेशन के तहत विभिन्न मामलों में पकड़े 26 आरोपी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना पुलिस एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी भवर सिंह ने बताया कि इलाके में आदतन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक दिन पूर्व भी इलाके से 3 गिरफ्तारी वारंटी और 6 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। लगातार की जा रही कार्रवाई से इलाके के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना अधिकारी भवर सिंह ने बताया कि आरोपी देवी चरण पुत्र लोहरे लोधा निवासी नयापुरा, माखन पुत्र अमर सिंह कुशवाहा निवासी टेहरी का पुरा, बहादुर पुत्र अमर सिंह कुशवाहा निवासी टेहरी का पुरा को न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट घोषित होने पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं जगदीश पुत्र हरि सिंह कुशवाहा निवासी परोवा, मुकेश पुत्र छितरिया कुशवाहा निवासी परोवा, नरेंद्र पुत्र संतोषी कुशवाहा निवासी बसई नवाब, मंगल सिंह पुत्र चरण सिंह कुशवाहा निवासी बसई नवाब, हेम सिंह पुत्र गत सिंह कुशवाहा निवासी पीपरीपुरा, शेर सिंह पुत्र निर्धर जाटव निवासी निधेरा खुर्द के अलावा मंगलवार को की गई कार्रवाई में घमंडी पुत्र नारायण सिंह कुशवाहा, द्वारिका पुत्र विद्याराम कुशवाहा, सामंता पुत्र भगवान सिंह कुशवाहा, रमाकांत पुत्र रमेश चंद्र कुशवाहा, बनवारी पुत्र राधेश्याम त्यागी, आकाश पुत्र उदल सिंह कोली, जगदीश पुत्र शिवचरण त्यागी, विजयकांत पुत्र कुंवर सिंह जाटव, नाहर सिंह पुत्र अमर सिंह, कृष्णा पुत्र बाबूलाल कुशवाहा, विजय कुमार पुत्र पप्पू जाटव, रिंकू पुत्र बाबूलाल जाटव, बॉबी पुत्र सीताराम, सतीश पुत्र भगवान सिंह लोधा, धर्मेंद्र पुत्र प्रेम सिंह कुशवाहा, भीमा पुत्र रामजीलाल, श्रीनिवास पुत्र राजा राम, करण पुत्र बनवारी लाल, धर्म सिंह पुत्र हरिमोहन, प्रताप सिंह पुत्र भगवान सिंह, खुन्नी पुत्र राम प्रसाद, आंसु पुत्र रोम प्रकाश, आकाश पुत्र अनिल सिंह, बुद्धा पुत्र दुर्गा प्रसाद, अनिल पुत्र हरदेव, दीपक पुत्र मवसिया नाई निवासी बसे नवाब को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिले आरक्षण का जताया विरोध। युवाओं ने निकाली रैली, मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन।
राजस्थान में भजन लाल सरकार द्वारा शिक्षक भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने से राज्य के युवाओं में काफी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर मंगलवार को बसेड़ी कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा कस्बे के बयाना पर मोड़ पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने भजन लाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं की भीड़ को देखते हुए बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और युवाओं से बातचीत की, जिसके बाद युवा बयाना मोड़ से रैली निकालते हुए भरद्वाज मार्केट, पीपल मंडी, पीएनबी बैंक, हवेली थोक तिराहा, मुख्य बाजार होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा जो शिक्षक भर्तियों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, उससे राजस्थान के युवाओं में भयंकर रोष व निराशा व्याप्त है एवं उन्हें उनका भविष्य अंधकार की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिससे युवाओं में मानसिक अवसाद पैदा हो रहा है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में पुरुष होना भी एक अभिशाप माना जाए। महिला सशक्तिकरण की आड़ में पुरुष वर्ग का हक ना छीने, इसलिए सरकार 50% महिला आरक्षण पर पुनर्विचार करे, अन्यथा युवा आंदोलन करने पर मजबूर होंगी। जी ने जो आरक्षण महिलाओं के लिए 50% दिया है, उससे वहाँ में आक्रोश की भावना है और वो अपने भविष्य को देखते लिए अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए इसको वापस लेने के उनसे नम्र निवेदन करते हैं, क्योंकि इसका जो अभी मामले देख रहे हैं आप नागौर में, अभी कल परसों एक युवा व्यक्ति है उसने अभी आत्महत्या की हुई है, क्योंकि अब जो युवा लोग हैं उनके लिए भविष्य में कुछ रहा ही नहीं है, वो किस चीज़ की तैयारी करेंगे। 50% ले गई, पूर्व सैनिक, विकलांग, ST SC फिर लोग किस में जाएंगे। राजस्थान में जो भजनलाल सरकार है राजस्थान में, उसने महिला सशक्तिकरण के नाम पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, जिससे युवाओं में रोष व्याप्त है और युवाओं में निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। अगर समय रहते इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो युवाओं में मानसिक तनाव पैदा हो जाएगा, जिससे युवा कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं। पुलिस ने विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किए 13 जने। धौलपुर SP के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बसेड़ी पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 6 गिरफ्तारी वारंटी एवं शांति भंग में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी वारंटी मुकेश पुत्र गुलाब सिंह कुशवाहा निवासी धुंधीपुरा, होतम सिंह पुत्र छीदू ठाकुर निवासी जारगा, वीरेंद्र सिंह पुत्र केशव ठाकुर निवासी नगला महू, रामेश्वर पुत्र अजमेर सिंह कुशवाहा निवासी कुनकुटा, जीवन सिंह पुत्र भवानी सिंह जाट निवासी पत्तीपुरा और राज बहादुर पुत्र पृथ्वी सिंह जाट निवासी पत्तीपुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शांति भंग में सुजान सिंह पुत्र भीम सेन ठाकुर निवासी बोरेली, शैलेंद्र पुत्र सुबेदार ठाकुर निवासी बोरेली, रिंकू उर्फ जनवेद पुत्र गोपाल ठाकुर निवासी रतनपुर, धर्मपाल पुत्र गोपाल सिंह निवासी मिर्जापुर, शैलेंद्र पुत्र मेघ सिंह निवासी अतरसुमा, भानु पुत्र कैलासी निवासी अतरसुमा और आकाश पुत्र गब्बर सिंह निवासी हरजूपुरा थाना बसेड़ी को अलग अलग स्थानों से शांति भंग करते पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। अच्छी बारिश की कामना करते इंद्रदेव को मनाया, पूरी सब्जी का भोग लगाकर बच्चों को खिलाया और की प्रार्थना। पिछले एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से आम जन का जीना बेहाल है। ऐसे में आज बाड़ी शहर के लोहार बाजार में दुकानदारों द्वारा सामूहिक रूप से इंद्रदेव को रिझाने के लिए पूरी सब्जी का भोग लगाया गया और छोटे बच्चों एवं गरीबों को भोजन कराया गया। लोगों को आस है कि बुजुर्गों की बरसों पुरानी इस परंपरा से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। लोहार बाजार के दुकानदार और समाज सेवी राम कुमार चौधरी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से दुकानदारों को तो गर्मी परेशान कर ही रही है, गर्मी और हीट वेव से हर कोई आहत है। ऐसे में लोग लगातार मानसूनी बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि बारिश के देवता इंद्रदेव को मनाने के लिए सामूहिक रूप से पूरी सब्जी या दाल रोटी का भोग बनाकर गरीबों को और छोटे बच्चों को खिलाया जाता है, जिसका निर्वहन करते हुए आज मंगलवार को सभी दुकानदारों के सहयोग और लोगों के सहयोग से इष्ट मित्रों के साथ ये आयोजन किया है और भोजन बनाकर उसे ईश्वर को भोग लगाने के साथ इंद्रदेव की पूजा की है। आशा है कि मौसम का मिजाज बदलेगा और अच्छी बारिश होगी। कोटा उदयपुर के रास्ते प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बाड़ी धौलपुर और पूर्वी राजस्थान में अभी इसका असर देखने को नहीं मिला। लोगों को आस है कि एक दो दिन में अच्छी बरसात होगी, इसी को लेकर इंद्रदेव को मनाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है।
जिसमें लोहार बाजार के तमाम दुकानदारों का सहयोग रहा है। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।